بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैंड प्रिंटर. हमने चैप्टर शुरू किया हुआ है प्रिंटर का और इसमें हमने प्रिंटर्स की दो मेन टाइप्स इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट पढ़ी डिफिनीशन में कि टू टाइप्स से इम्पैक्ट है और नॉन इम्पैक्ट. और फिर इम्पैक्ट्स प्रिंटर में हमने डॉट मैट्रिक्स पढ़ा और लाइन प्रिंटर पढ़ा और आज पढ़ेंगे बैंड प्रिंटर कि बैंड प्रिंटर क्या है. तो बैंड प्रिंटर जो है ये इम्पैक्ट प्रिंटर की ही एक टाइप है और उसमें जो प्रिंटिंग का तरीकाकार है जिस तरह डॉट मैट्रिक्स में हमने पढ़ा और लाइन प्रिंटर में पढ़ा कि उसको प्रिंट करने का जो मेन डिवाइस है या कंपोनेंट है वो है प्रिंट हेड. प्रिंट हेड में पेंस होते हैं जो एक्टिव होके करेक्टर को टाइप कर देते हैं. डॉट मैट्रिक्स का जो प्रिंट हेड होता है वो छोटा होता है और लाइन प्रिंटर का जो प्रिंट हेड होता है वो ज़रा उसकी वेट ज़्यादा होती है, लंबा होता है, इसलिए लाइन प्रिंटर जो है वो एक ही बार में सारी लाइन को प्रिंट कर देता है. अब हम पढ़ते हैं बैंड प्रिंटर. जो बैंड प्रिंटर में प्रिंट करने का जो सोर्स है और जो एक्चुअल डिवाइस या कंपोनेंट का है वो है, तो वो एक क्या है, रोटेटिंग बैंड है या एक किस्म की रॉड है जिसकी सरफेस है वो एम्बॉस्ड हुई है अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर. अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर का मतलब ये कि इसमें ए टू जेड करेक्टर भी है और इसमें 0 to 9 नंबर्स भी है. तो ये इसी तरह का समझ ले कि एक बैंड है या रॉड है और उस रॉड की जो सरफेस है, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए है और इस तरह ये कैपिटल ए है, इसी तरह बी है और कैपिटल बी है, तो इसकी जो सारी सरफेस है वो इस तरीके से करेक्टर से एम्बाज हुई है, यानी उस पे करेक्टर जो है वो कंधा किए हुए है, उसमें एक करेक्टर जो है डिज़ाइन किए गए है और इसी तरह 0 to 9 तक नंबर भी है, ठीक है, ये 0 to 9 तक इस पे नंबर भी है. तो ये दोनों बन के अल्फा न्यूमेरिक हो जाते हैं, तो इसमें हमारे पास करेक्टर भी है. अगर हमें वर्ड्स टाइप करने हैं तो करेक्टर को यूज़ करेंगे. अगर कहीं पे प्रिंट नंबर्स की ज़रूरत आती है तो प्रिंटर पे क्या करता है, उस नंबर को यूज़ करके प्रिंट करता है. और ये जो एम्बॉस हुई है, एम्बॉस का मतलब ये है कि ये जो करेक्टर है और ये जो नंबर है ये नॉर्मली सरफेस से ज़रा ऊपर की तरफ उठे हुए हैं, जिस तरह एक मोहर होता है. उस मोहर को हम जब यूज़ करते हैं तो अगर आप मोहर को देख ले तो जो मोहर में जो उसकी टेक्स्ट होता है या जो लिखाई होती है वो नॉर्मल सरफेस से ज़रा ऊपर की तरफ उठी हुई होती है, ठीक है. तो जब हम उसको कागज़ पे रखते हैं मोहर को तो वो लिखाई जो है उसका इमेज कागज़ पे पड़ जाता है और उसका जो करेक्टर से नीचे सरफेस है तो वो सरफेस इन करेक्टर को सपोर्ट करने के लिए होता है, प्रिंटिंग करने के लिए नहीं होता. तो इसी तरह इस बैंड की जो सरफेस है तो प्रिंटिंग में सिर्फ इसका इतना रोल है कि ये सरफेस जो है इन्होंने सपोर्ट किया हुआ है इन करेक्टर्स को और नंबर्स को, तो प्रिंटिंग जो होगी करेक्टर और नंबर की होगी और सरफेस की कोई जो इमेज है या जो उसका कोई वो डिज़ाइन है वो पेपर पे प्रिंट नहीं होगा. और जब प्रिंटिंग होती है तो ये एक प्रिंटर जो है इस बैंड को मुसलसल रोटेट करता रहता है. तो इसमें बैंड प्रिंटर में जो प्रिंट करने का मेन सोर्स है या कंपोनेंट है वो एक बैंड है और उस बैंड की सरफेस पे चारों तरफ गोल या रॉड किस्म की चीज़ है. तो इसके चारों तरफ जो है पूरे सरफेस पे ये करेक्टर लगे हुए हैं और 0 to 9 तक नंबर इस पे डिज़ाइन किए हुए हैं. टू प्रिंट ए करेक्टर, जब प्रिंटर ने किसी करेक्टर को प्रिंट करना होता है, फॉर एग्जांपल इस ए को प्रिंटर ने इस ए को प्रिंट करना है तो क्या होता है, मशीन रोटेट द बैंड टू डिज़ायर करेक्टर. और अगर ये ए जो है ये फ्रंट रिबन की तरह नहीं है, ये बैक की तरफ है, तो क्या करता है प्रिंटर, इस बैंड को घुमा देता है, इसको रोटेट कर देता है और ये वाला जो पार्ट है करेक्टर का, ये वाला हिस्सा जो है इसके सामने इस तरह रिबन, इंक रिबन लगा हुआ है,
ठीक है। तो इंक रिबन के सामने ये करेक्टर को इसके सामने ले आता है, देन स्मॉल हैमर टेप्स द बैंड, और फिर इस बैंड को, इस रॉड किस्म की ऑब्जेक्ट को बैक की जानिब से एक पिन होता है वो इस पे क्या कर देता है, फोर्स कर देता है। फोर्स करने से ये जो करेक्टर है ये जोर के साथ इस रिबन के साथ क्या हो जाता है, इस पे टेप अप हो जाता है, इस पे फोर्स अप हो जाता है, इस रिबन के ऊपर ये टकरा जाता है, प्रेसिंग द करेक्टर अगेंस्ट द रिबन, और इस तरीके से ये करेक्टर जो है इस रिबन के अगेंस्ट, इस रिबन के ऊपर फोर्स हो जाता है। और इस पर, इस रिबन के पीछे क्या होता है, पेपर होता है, तो ये रिबन पर क्या होता है, जब रिबन पे ये करेक्टर फोर्स डालता है तो फिर रिबन जो है ये इसके बैक पे जो वाइट पेपर लगा हुआ है उस पे फोर्स कर देता है। तो उस पर फोर्स कर देने से ये करेक्टर का जो इमेज है ये इस पेपर पे क्या हो जाता है, प्रिंट हो जाता है। और प्रिंटिंग के लिए इंक जो है वो इंक, ये इंक रिबन है ये उसको इंक प्रोवाइड करता है, और इंक के नतीजे में इस पेपर पे ये जो करेक्टर है उसकी इमेज बन जाती है, उसकी जो प्रिंटिंग है वो हो जाती है। और अब इसकी आती है कि स्पीड क्या है, जिस तरह हम सारे प्रिंटर में पढ़ते हैं कि प्रिंटर की स्पीड क्या होती है, जैसा डॉट मैटर्स में हमने पढ़ा कि स्लो डॉट मैटर्स का जो स्लो प्रिंटर है वो 50 से 70 करेक्टर्स पर सेकंड प्रिंट करता है, और डॉट मैट्रिक्स में जो ज़रा अच्छा जो फास्टेस्ट प्रिंटर है वो 500 करेक्टर्स पर सेकंड प्रिंटिंग करता है, और लाइन प्रिंटर में हमने पढ़ा कि वो क्या करता है, वो 3000 लाइंस पर मिनट को प्रिंट करता है। तो यहाँ पे क्या पोजीशन है स्पीड की, इस प्रिंटर की स्पीड की, तो उसमें जो अच्छी क्वालिटी वाला है, अच्छी क्वालिटी प्रिंटर है तो वो क्या करता है, वो 2000 लाइंस पर मिनट को प्रिंट करता है। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज भी है कि ये 2000 लाइंस एक मिनट में 2000 लाइंस को प्रिंट कर देता है, और क्वालिटी उसकी बस उसी तरह है जिस तरह लाइन प्रिंटर की क्वालिटी है, यानी नॉर्मल सी है या लो रिजोल्यूशन क्वालिटी है, तो वही क्वालिटी यहाँ पर भी है, यानी बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में ये प्रिंटिंग नहीं करता, बस नॉर्मल सी या नॉर्मल सी ज़्यादा लो किस्म की, जिस तरह के लेज़र किस्म के प्रिंटर जो है वो जिस क्वालिटी में प्रिंटिंग करते हैं तो उस क्वालिटी में ये प्रिंटिंग नहीं करता। तो रिजोल्यूशन वाइज या आउटपुट क्वालिटी, आउटपुट जो इसका है वो ज़रा और प्रिंटर्स की नस्बत, खासकर नॉन प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है उसकी नस्बत ये क्या है, ये फिर ज़रा क्वालिटी में उसकी नस्बत लो है। ये इस पे आते हैं कि इसका जो डायग्राम है या डिज़ाइन है किस तरह, तो ये बैंड किस्म प्रिंटर जो होता है उस किस्म का होता है, और ये जो मेन चीज़ है, ठीक है, वो बैंड है, रोटेटिंग बैंड है, जिसके ऊपर अगर आप देख ले तो यहाँ पे सारे करेक्टर आप लगे हुए हैं। ठीक है, यह बैंड क्या करता है, इस डायरेक्शन में आप ये एरो देखेंगे कि ये क्लॉकवाइज में, घड़ीवार सिमत में, क्लॉकवाइज में यह क्या करता है, रोटेट करता है, और इसका जो सरफेस यहाँ सामने आ जाता है तो वहाँ पे जो करेक्टर यहाँ पे होंगे वो करेक्टर इस रिबन की मदद से इस पेपर पे टाइप हो जाते हैं। प्रिंट ड्रम रोटेट 1050 RPM रिवॉल्यूशन पर मिनट। ठीक है, यहाँ पे देखो हमें स्पीड भी बताई जा रही है कि पर मिनट जो है ये 1050 बार एक मिनट में क्या करता है, रोटेट करता है। ये वाला जो ड्रम है या जो ये रोटेटिंग बैंड है ये एक मिनट में 1050 बार क्या करता है, रोटेशन करता है। प्रिंट रिबन, ये वाला उसकी रिबन है, ये अगर ब्लैक को देख ले तो ये क्या है, रिबन है। देखो यहाँ पे ये जरा रोटेट किया हुआ है, और यहाँ पे नीचे देख लो तो यहाँ पे देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा क्या है, इंक्ड रिबन है ये वाला। ठीक, ये प्रिंट रोटेटिंग बैंड के सामने जो प्रिंट इंक रिबन का हिस्सा आएगा वो ये वाला हिस्सा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जिस करेक्टर ने प्रिंट होना है पीछे की जानिब से या इस बैंड के अंदर एक पिन लगा होता है जो इस करेक्टर पे, इस करेक्टर की सरफेस पे बैक एंड से, पिछली जानिब से बैक एंड से
फोर्स डाल देता है, तो ये क्या हो जाता है, इस पे फोर्स करके एक रिबन पे फोर्स कर देता है और रिबन इंक रिबन के पीछे देख ले तो यहाँ पे क्या है, व्हाइट पेपर ये लगा हुआ है, व्हाइट पेपर है ये, ठीक है, ये व्हाइट पेपर लगा हुआ है, तो ये इंक रिबन जो है ये इस पेपर के साथ फोर्स हो जाता है, इस पेपर के साथ टकरा जाता है और इस तरीके से इस वाइट पेपर पे ये जो रोटेटिंग बैंड है इंक रिबन की मदद से इस पेपर पे वाइट पेपर पे प्रिंटिंग कर देता है, पेपर डायरेक्शन है। और जितनी जितनी ये पेपर बढ़ता जाता है, जितनी इस पे लाइन, देखो ये लाइन इस पे प्रिंट हो रही है, ठीक है, तो जितनी जितनी इस पे लाइंस बढ़ रही होती है तो ये पेपर जो है ऊपर की जानिब, ठीक है, ये मूव करता है, इसकी मूवमेंट ऊपर की जानिब होती है। ये तो जो रोटेटिंग बैंड है तो इसी जगह पे रहेगा, ये नीचे नहीं हो सकता, ये ऊपर नहीं हो सकता, इस बस इस ये इसका एरिया ये है, ये एरिया है, इससे इसमें यह रोटेट करता रहता है। हाँ, पेपर ने यह होना है कि जितना पेपर प्रिंट होता जाएगा वो पार्ट क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये वाला प्रिंट हो गया तो यह क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, ऊपर हो जाने से यहाँ पे मजीद खाली पेपर की खाली स्पेस आ जाएगी और उस खाली जगह पे ये नई प्रिंटिंग शुरू कर देगा। तो फिर जब ये नई लाइन प्रिंट कर देगा पर थोड़ा सा मजीद इस पेपर को ऊपर की जानिब क्या कर देगा, रोटेट कर देगा या मूव कर देगा, और जो फिर खाली जगह पेपर की आएगी तो उस खाली जगह पे नई प्रिंटिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये बैंड प्रिंटर का एक मैंने आपको वर्किंग का तरीका डायग्राम बताया, और इसमें जो मेन सोर्स है प्रिंटिंग का, और प्रिंटर्स में प्रिंट हेड होता है, इसमें यह रोटेटिंग बैंड होता है, और इसमें का डिज़ाइन ज़रा और से मुख्तलिफ है, और इसमें भी इंक का जो सोर्स है वही इंक रिबन है, और इसमें भी इसी तरह इंक रिबन के पीछे जाने पेपर लगा हुआ है, और इस तरीके से अपना प्रिंटिंग करता जाता है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पे नेक्स्ट टॉपिक कोई और करेंगे।